हेलो फैक्टो फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। एक ऐसा देश जो आए दिन किसी न किसी देश की मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है, एक ऐसा देश जिसे परमाणु परीक्षण करने का भूत सवार है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया विश्व के ऐसे देशों में शुमार है जिस पर UN द्वारा कई प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोन उनको इन प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही उसे अपने देश की जनता की कोई परवाह है। तो आज हम बात करेंगे किस तरह नॉर्थ कोरिया का क्रूर शासक किम जोन उन अपने देशवासियों पर तानाशाही का राज चलाता है और उसके द्वारा नॉर्थ कोरिया में क्या क्या कानून बनाए गए हैं, और हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया के कई हैरान कर देने वाली ऐसी बातें जो आपने पहले कभी शायद ही सुनी होंगी। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि चैनल पर आने वाली सभी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। जहां एक तरफ जींस पहनना पूरी दुनिया में ट्रेंड बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया के जहां नागरिकों को जींस पहनने की बिल्कुल मनाही है। जी हां, ये नियम बनाया है वहां के शासक किम जोन उन ने। अब अगर कोई नागरिक इस नियम को नहीं मानता है और इस नियम के खिलाफ जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी, नॉर्थ कोरिया का नागरिक अगर किसी जुर्म में लिप्त पाया जाता है और उसके यह जुर्म नॉर्थ कोरिया के कानून के तहत सिद्ध हो जाता है तो उसे तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ उसके आने वाली 3 पीढ़ियों को भी यह सजा भुगतनी पड़ती है। नॉर्थ कोरिया में एक और बड़ा कानून बनाया गया है जिसके तहत अगर कोई कोरियावासी बाइबल पढ़ते वक्त पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलती है। नॉर्थ कोरिया का सबसे क्रूर शासक किम जोन उन है। इसे क्रूर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपनी चाचा को मरवाने के लिए जिंदा ही 120 कुत्तों के आगे छोड़ दिया था। नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को इंटरनेट चलाने की भी आजादी नहीं है। इस देश में मात्र सरकारी और किम जोन उन के विश्वास पात्र नागरिक ही इंटरनेट सेवा का उपयोग कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के कानून के तहत 5 साल बाद नॉर्थ कोरिया के शासक का इलेक्शन होता है, लेकिन आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस इलेक्शन में एकमात्र उम्मीदवार होता है जिसका नाम है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अमेरिका को युद्ध की खुली चुनौती दे रखी है। साथ ही नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका नेवी का जहाज अपने कब्जे में लिया हुआ है। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक यहाँ के नागरिकों को भिखारियों की फोटो खींचने की मनाही है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में गरीबी का आंकड़ा बहुत अधिक है और किम जोन उन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ये दुनिया के सामने आए। वैसे तो यहाँ की हर बात को जानकर हैरानी ही होती है, लेकिन इतनी ज्यादा पाबंदी भी हो सकती है ये आपने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि यहाँ आप हेयर कट भी अपनी मर्जी से नहीं करा सकते। नॉर्थ कोरिया के कानून के मुताबिक महिलाओं के लिए 28 और पुरुषों के लिए 10 तरह के हेयर स्टाइल हैं। यहाँ के नागरिकों को इस कानून का पालन करना पड़ता है और कानून के तहत ही अपना हेयर स्टाइल या हेयर कट रखना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में जाने वाले पर्यटकों पर भी कई पाबंदियां लगाई जाती हैं, जिसके तहत उन्हें इस देश में मोबाइल फोन, कैमरा इत्यादि लेकर जाने की मनाही है। साथ ही साथ टूरिस्ट सिर्फ अपने गाइड की निगरानी में रहते हैं और टूरिस्टों को आम जनता से बात करने की इजाजत नहीं दी जाती। नॉर्थ कोरिया में केवल सरकार द्वारा चलाए गए टीवी चैनल ही चलते हैं, इस देश में एक भी प्राइवेट चैनल नहीं है। साथ ही नॉर्थ कोरिया के न्यूज चैनल, मैगजीन, न्यूज़पेपर 99% अपने देश की ही खबरें छापते हैं और किम जोन उन के तारीफ संबंधी कार्यक्रम चलाते हैं। नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते और न ही उन्हें दूसरे देश का वीजा मिलता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया की सरकार किसी भी नागरिक को देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं देती है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी पोंगयांग में केवल कामयाब लोग ही रहते हैं या फिर सरकारी नौकरी करने वाले लोग ही इस शहर में रह सकते हैं, बाकी लोगों को राजधानी के बाहर ही रहना पड़ता है। इस देश के आम नागरिकों को कार खरीदने पर भी पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सरकारी और अमीर हस्तियां ही कार खरीद सकती हैं। तो कैसी लगी आपको नॉर्थ कोरिया से जुड़ी ये अजीबोगरीब बातें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।